बिहार में बिजली दर का स्लैब खत्म होगा। आने वाले दिनों में घरेलू और गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एक ही स्लैब तैयार किया जाएगा। यानी चाहे कितनी भी बिजली का उपयोग कर ले, बिजली दर एक समान ही आएगा। अभी कंपनी अलग अलग स्लैब के आधार पर बिजली बिल वसूल करती है। एक समय 5 दर्जन से अधिक स्लैब बने थे राज्य में। पहले 4 से अधिक स्लैब हुआ करते थे, 1 से 100 यूनिट, 101 से 200, 201 से 300 और 301 यूनिट से अधिक का स्लैब था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इन स्लैबों को समाप्त कर दिया। कंपनी ने साल दर साल इसमें कटौती की और अभी सभी श्रेणियों को मिलाकर बेमुश्किल 2 दर्जन स्लैब ही हैं। घरेलू उपभोक्ताओं में देखें तो ग्रामीण इलाकों में 2 स्लैब हैं। पहला स्लैब 1 से 50 तो दूसरा 50 यूनिट से अधिक का, जबकि शहरी क्षेत्र में मात्र 2 ही स्लैब हैं। शहरी क्षेत्र में पहला स्लैब है 1 से 100 यूनिट तो दूसरा है 100 यूनिट से अधिक का। इसे कम करते हुए मात्र 1 ही स्लैब करने की तैयारी चल रही है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार 1 स्लैब करने से पहले बिहार विद्युत विनियामक आयोग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। कंपनी की ओर से हर साल 15 नवंबर के पहले याचिका दायर की जाती है, जिसमें बिजली दर में वृद्धि सहित अन्य प्रस्ताव भेजे जाते हैं। इस साल नवंबर में दायर होने वाली याचिका में 1 स्लैब का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर आयोग की अनुमति मिल गई तो अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने वाली बिजली दर में 1 स्लैब के अनुसंधान की बात की जाएगी। 1 स्लैब होने से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मसलन ग्रामीण इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 50 यूनिट के बीच बिजली खपत करने पर 2.60 रुपये प्रति यूनिट, तो इससे अधिक खपत करने पर 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुसार बिजली बिल देना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 100 यूनिट के बीच खपत होने पर 4.27 रुपये यूनिट, तो वहीं 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर 4.636 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ रहा है। ऐसे में अगर स्लैब 1 होगा तो बिजली दर भी कम हो पाएगा और ग्राहकों को लाभ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।